तो हे गाइस, माय नेम इज समित एंड वेलकम बैक टू अनदर माय न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि ईमेल आईडी या जीमेल आईडी का पासवर्ड आप सभी लोग भूल गए हैं तो उसे कैसे पता लगा सकते हैं। दो तरीके से पता लगा सकते हैं। फर्स्ट वाला तरीका है कि जब आप अपना ईमेल आईडी या जीमेल आईडी बनाते हैं तो वहाँ पर आप लोग पासवर्ड सेव कर सकते हैं, आप लोग पासवर्ड देख के वहाँ पर पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप लोग अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा यदि आप अपने जीमेल आईडी या ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं तो किस तरीके से आप लोग उसे फॉरगेट कर पाएंगे, किस तरीके से आप लोग वहाँ पर चेंज कर पाएंगे, न्यू पासवर्ड कैसे जनरेट कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा। एंड देन गाइस, अभी तक हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जाकर हिट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मोबाइल की सिम लिख चलते हैं और वहाँ पर स्टेप बाई स्टेप बताते हैं कैसे आपको गूगल अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट करना है। तो यहाँ गाइज, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कैसे आप लोग अपने ईमेल आईडी या जीमेल आईडी का पासवर्ड को कैसे फॉरगेट कर पाएंगे। तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर दिया है। एंड देन आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है गूगल का। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए गूगल का ऑप्शन हो चुका है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा कुछ समय तक। एंड इसके बाद फ्रेंड्स, आगे का प्रोसेस मैं आपसे को बताता हूँ। तो यहाँ पर जिस भी ईमेल आईडी का आप लोग पासवर्ड जानना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका हमें पासवर्ड यहाँ पर जानना है। चलिए यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ से बैक जाता हूँ। एंड अब आपको मैनेजर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके रखना है। अब इसे मैनेजर गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर आप लोग को आना है एंड देन नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा पासवर्ड का। तो पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके रखना है। अब जैसे पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रखोगे तो थोड़ा सा वेट करोगे एंड यहाँ पर आप लोग इंटर योर पासवर्ड मांग रहा है। अब नीचे का ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करना है। अब जो आपके फ़ोन का लॉक स्क्रीन हो उसको यहाँ पर डाल दीजिए। चलिए हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं। जैसे फ़ोन का लॉक स्क्रीन डालेंगे तो थोड़ा सा वेटिंग लेगा और यहाँ पर रिडायरेक्टिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर न्यू पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आ गया, ना ओटीपी गई आपके मोबाइल पर, ना यहाँ पर 6 डिजिट कोड गया है, यहाँ पर मैंने पासवर्ड बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज्ड पासवर्ड के नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे चेंज वाले ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ पर योर पासवर्ड वाज चेंज्ड, यहाँ पर चेंज हो चुका है एंड यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं और पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली यहाँ पर लिख दिया। गेट स्टार्ट पर जाएंगे तो अपने अकाउंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग कुछ ऑप्शन यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं आप सभी को फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।